हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर रेसिपी लेकर आप सभी लोग के लिए आ गए हैं। तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं उबाले हुए आलू का चाट। तो उसके लिए यहाँ पे हम 3 आलू को उबाल कर ले लिए हैं और इसे छील कर इस तरह छोटे पीस में काट लिए हैं। आप जिस तरह के पीस में काटना चाहें, बड़े छोटे काट सकते हैं। तो इसे हम फ्राई करेंगे। तो गैस जलाकर पेन गरम होने के लिए रख दिए थे। पेन गरम हो चुका तो आलू फ्राई करने के लिए आवश्यकता अनुसार सरसों तेल ले लिए हैं। आप जो तेल खाइएगा उसमें आलू फ्राई कर सकते हैं। तो अब इसमें हम आलू डालेंगे फ्राई होने के लिए। तेल गरम हो चुका है तो इसमें आलू को हम डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे। तो देखिए उबले हुए आलू को चलाते हुए अच्छे से तेल में क्रिस्पी फ्राई कर लिए हैं। यूँ तो आप बिना फ्राई किए भी आलू का बना सकते हैं चाट। तो फ्राई करके आलू चाट बनाने से चाट खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा आलू फ्राई हो गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और आलू को निकाल लेंगे। आलू को फ्राई कर लिए हैं तो अब चलते हैं चाट बनाने। तो देखिए हम एक डिप बॉल ले लिए हैं, इसमें हम आलू को डाल देंगे। बॉल में आलू डाल लिए हैं। अब इसमें हम एक मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 2-3 हरी मिर्च को छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। एक मीडियम साइज के प्याज को छील कर और अच्छे से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसे भी एक टुकड़ा आदि को घिस कर ले लिए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता काट कर ले लिए हैं। इन सभी को डाल देंगे। एक छोटे चम्मच से हम भुना हुआ जीरा का पाउडर ले लेंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ले लेंगे। आधा चम्मच से भी कम हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, तीखा अपने स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे। एक बड़े चम्मच से दही डाल लेंगे। एक चम्मच टमाटर सॉस डाल लेंगे। यहीं पे हम सेवइयाँ डाल देते हैं। थोड़ा आप मोटी पतली जो भी सेवई हो ले सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से आलू में मिला देंगे। तो देखिए इसे अच्छे से आलू में सभी मसाले को बढ़िया से मिलाकर चाट देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया। ये चाट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप फटाफट इस तरह चाट बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए चाट बनकर तैयार हो गया। तो अब इसके ऊपर थोड़े से हम प्याज डाल देते हैं, इससे और भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो थोड़े से प्याज डाल दिए। अब इसके ऊपर थोड़े से धनिया का पत्ता डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से और हम सेवइयाँ बोलिए या झूरी डाल देंगे। लीजिए चाट हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया। ये झटपट बहुत ही आसान तरीके से आलू का चाट बनकर तैयार हो गया। तो बनाइए आलू का चाट और खाइए और इन्जॉय करिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।